एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में आज हम देखते हैं व्यू मेन्यू। हमने प्रत्येक ऑप्शंस और मेन्यू को समझा अभी तक, और हम इसके बाद यानी एमएस वर्ड जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद हम रुक करेंगे एमएस एक्सेल की ओर। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम एमएस वर्ड को पढ़ें, क्योंकि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो ऑप्शंस हम पढ़ चुके होंगे, मेन्यू ऑप्शंस जो हम देख चुके होंगे, उन्हें हम एक्सेल के अंतर्गत स्किप कर देंगे। हम एक्सेल की मूलभूत और उपयोगी चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत खास तौर पर कहीं ना कहीं फॉर्मूले उपयोग किए जाते हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसके पहले आप हमारे एमएस वर्ड के सभी वीडियो देखें, तो कि आपको एक्सेल में वो सब काम आएंगे, इसके साथ पावर पॉइंट में भी वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो ये सभी सीरीज हम लोड कर रहे हैं और सारी से कुछ कर चुके हैं और आगे हम करने वाले हैं। तो आप एक के बाद एक सीरीज वाइज सारे ऑप्शंस को समझें, देखें, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। चलिए आज हम देखते हैं व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंतर्गत यदि हम बात करें, रिव्यू को हमने देखा था इसके पहले, तो रिव्यू के बाद अगला आता है व्यू। तो व्यू के अंतर्गत कुछ उपयोगी ऑप्शंस हैं। उन उपयोगी ऑप्शंस के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट टाइपिंग कर रहे हैं खासतौर पर, तब हमें ये एक ऑप्शन के माध्यम से देखना होता है कि हमारा प्रिंटिंग लेआउट क्षेत्र कितना है, जो प्रिंटिंग के समय आएगा, यानी जहाँ से डेटा हमारा टाइप हो रहा है वो क्षेत्र। जैसे यहाँ पर लेआउट के लिए हम बात करें, तो ये मार्जिन कुछ छुटा हुआ है, इधर राइट में भी छुटा हुआ है, सॉरी लेफ्ट कहलाएगा, ये लेफ्ट में भी छुटा हुआ है और टॉप में भी छुटा हुआ है। तो ये लेआउट अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली जब फाइल हमारी होती है तो ऐसा ना आ करके व्यू इसका चेंज रहता है। व्यू यदि नॉर्मल व्यू की बात करें, तो नॉर्मल व्यू में आउटलाइंस या डॉक्यूमेंट मैप में हो सकता है, या टाइपिंग मोड में जिस प्रकार से ये है, इसमें हमें टॉप में कितना मार्जिन छूट रहा है ये पता नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम जो है कि यहाँ पर प्रिंट लेआउट को क्लिक कर सकते हैं। जब प्रिंट और लेआउट को आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट का लेआउट शो होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट में ही है, लेकिन यदि ये नॉर्मल विंडो में रहता है तो ऐसा नहीं आता है। दूसरा आता है फुल स्क्रीन। कई बार हमें आवश्यकता लगती है कि मेन्यू सिस्टम छिप जाए और स्क्रीन फुल स्क्रीन पर व्यू आए। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रेजेंटेशन हमने तैयार नहीं किया है और हमें वर्ड पर ही कोई डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करके बताना है, डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसका प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया है, तो आप यहाँ पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके माध्यम से आप जो है कि डायरेक्टली वर्ड का ही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक नेक्स्ट पेज पर ये चला जाएगा, यानी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्लाइड के रूप में दर्शाने के लिए। इसे क्लोज करते हैं हम। वेब लेआउट एमएस वर्ड आपको वेब पब्लिशिंग की सुविधा भी देता है, यानी कई बार ये आवश्यकता लगती है कि हमारी कोई वेबसाइट है और हमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसे हमारी वेबसाइट पर लेआउट जो है कि सेंड करना है। तो सेंड करने के पहले हम देखना चाहते हैं कि जब हम इसे वेबसाइट पर डालेंगे तो इसका जो डिज़ाइनिंग लेआउट है वो कैसा है। इसके लिए हम वेब लेआउट को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ से डेटा लिखना स्टार्ट हुआ। यदि हम चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं और बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, यानी सेम एज इट इज़ ये पेज उतना डेटा ये दिखाता है कि जितना आपका वेब पेज पर शो होगा। चलिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आउटलाइन ऑप्शन से यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आउटलाइन में खासतौर पर जो यूज़ है आउटलाइन का वो ये होता है कि आपको हेडिंग सब हेडिंग जनरेट करना है। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा DCA और DCA के अंतर का सेमेस्टर दर्शाना है, तो हम यहाँ पर जो इसकी सब हेडिंग्स हैं आउटलाइन से इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं, जैसे हमने दर्शाया सेम फर्स्ट सेम सेकेंड, जैसे ही मैंने एंटर किया, अब देखिए एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ना कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंडेंट कहलाता है, तो आपको इसका लेवल जनरेट करके ये देता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन के से हम वापस सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन इसमें ड्राफ्ट भी है। ड्राफ्ट में नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, प्रॉपर नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। वहीं पर हम इसको प्ले लेआउट में ले आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट व्यू है और ये सो हाइड है। जैसे रूलर अभी नहीं है तो रूलर को आप चेक लगा दीजिए, रूलर कैसे लाते हैं ये इसको समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में प्रत्येक हेडिंग्स जो है
वो डॉक्यूमेंट विंडो पर आ जाए। कई बार हमें आवश्यकता लगती है कि उपयोगी उपयोगी हेडिंग सेक्टर पर आ जाए, कितने हेडिंग्स दिए हैं, हेड कितने लगाए हमने, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। कई बार डॉक्यूमेंट को मापने के लिए कि लाइन से आ चाहिए हमें, ये जैसे डीसी हमने लिखा है तो कितनी लाइन है, इतना ही सेम डेटा लिखना है, तो हम ग्रिड लाइन है इसमें उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में पेजेस हो तो हम थंबनेल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये हुआ कि यदि डॉक्यूमेंट पेज एक्स्ट्रा है या वो ज़्यादा मात्रा में है, तब हमें पर्टिकुलर किसी पेज पे पहुँचना है, जैसे फिफ्थ पेज पे पहुँचना है, तो हम उसे क्लिक करेंगे, सीधे उसी पेज पर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रूलर का प्रयोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रिड लाइन थंबनेल का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से व्यू कर सकते हैं। इसीलिए इस मेन्यू का ऑप्शंस का नाम है व्यू। यहीं पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शंस भी दिया है, जिसमें 275 जितना भी परसेंट में आपको जूम इन जूम आउट करना है वो आप कर सकते हैं, 100% करना है डायरेक्टली 100% कर सकते हैं, एक से अधिक पेज को देखना है, ये वन पेज है, टू पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। पेज विड्थ आप निर्धारित कर सकते हैं, कई बार हमें पेज विड्थ में भी समस्या आती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन से यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप पेज लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, रूलर, थंबनेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।